बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, आज हम बनाने लगे हैं चिकन शनवारी कढ़ाई। नॉर्मल कढ़ाई मैं आपको अपने चैनल पे बनाना बता चुकी हूँ, आज हम शनवारी कढ़ाई बनाएंगे जो कि खाने में बहुत ही यमी होती है। इसको गर्म गर्म सर्व किया जाता है, बहुत कम स्पाइसेस के साथ बनती है लेकिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होती है। कोई स्पाइसेस इसमें ज़्यादा नहीं जाते, बहुत नॉर्मल सिंपल सी रेसिपी होती है। लेकिन इसको जब गरम गरम नान और चपाती के साथ और तंदूर की गरम गरम रोटी के साथ सर्व किया जाता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा देती है। मटन, बीफ, चिकन सब में बनाई जाती है। मैं चिकन में बना रही हूँ, चिकन है मेरे पास तकरीबन हाफ के जी, ठीक है। और इसके अलावा आपको चार जो है वो बड़े साइज़ के टमाटर नज़र आ रहे हैं इसमें जो हम यूज़ करेंगे। तीन से चार हरी मिर्चें हैं जो कि मैंने कट की हुई हैं, और इसके अलावा एक लेमन नज़र आ रहा है। ऑयल है हमारे पास, इस कढ़ाई के अंदर ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है इसलिए परेशानी मत इख्तियार कीजिएगा कि इतना ज़्यादा ऑयल बाद में आप चाहें तो आप बाद में निकाल सकते हैं, लेकिन इसका असल जो ऑथेंटिक तरीका है वो ज़्यादा ऑयल में ही है ये। बल्कि जब रेसिपी को करने लगे हैं हम स्टार्ट, तो रेसिपी स्टार्ट करने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, आप कोई भी कढ़ाई ले लीजिए, और उसका जो है मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है। अब जैसे ही जो है हमारी कढ़ाई थोड़ी गर्म होगी, इसके अंदर मैं ये एक प्याली ऑयल में इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है। ऑयल को हम करेंगे थोड़ा सा गरम, ऑयल हमारा जैसे ही गरम होगा ऑयल के अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। ऑयल हमारा गरम हो गया है, इस गरम ऑयल के अंदर हम अपनी चिकन को ऐड करेंगे, ठीक है। आप बोनलेस चिकन में भी बना सकते हैं और विद बोन भी बना सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप उस चिकन में इसको बना सकते हैं। अब आपने जस्ट क्या करना है, सिंपली आपने इस ऑयल के साथ जो है वो अपने चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। जस्ट ऐड करना है नमक, जो कि मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, ये आपके अकॉर्डिंग टेस्ट होगा। अगर आप थोड़ा कम खाते हैं तो आप इसमें कम भी ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। नमक हम इसलिए ऐड करते हैं कि इसमें एक फ्लेवर आ जाता है और इसमें बहुत ही अच्छा सा कलर भी आ जाता है। जैसे ही आप नमक के साथ इसको फ्राई करना शुरू करेंगे आपको एक अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, चिकन हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है 5 से 7 मिनट। अब मैं इसके अंदर फ्रेशली जो है वो लहसुन और अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करूंगी, जो कि मैंने तकरीबन जो है वो इसमें 3 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून जितना जो है वो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। कोशिश कीजिएगा कि आप बिल्कुल फ्रेश यूज़ करें जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप इसको फ्रेश यूज़ करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत जो है वो ज़बरदस्त होता है। अब आप 1 से 2 मिनट और इसको फ्राई करेंगे और फिर इसके अंदर हम अपने टमाटर ऐड करेंगे। इसका कोई लाल मिर्च, कोई हल्दी, कोई धनिया इसमें हम नहीं डालेंगे। ठीक है, ये थोड़ा और फ्राई किया। अब आपने पूरा पूरा टमाटर जो है वो इस तरीके से इसके अंदर डाल देना है। चाहे तो आप छोटे साइज़ के भी टमाटर यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास जो है वो बड़े साइज़ के टमाटर थे इसलिए मैंने इसको बड़े साइज़ का ही यूज़ किया है। इसको कट मत कीजिएगा और इसी तरीके से आपने पूरा पूरा टमाटर जो है वो इसके अंदर डाल देना है। शनवारी कढ़ाई में टमाटर कट करके नहीं डाले जाते, इसी तरह आप पूरा टमाटर इसमें आप ऐड कर दीजिए। इस स्टेज पर मैं इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी ऐड करूंगी हाफ, और थोड़ी सी हम जो है वो सर्विंग के टाइम के लिए एंड में डालने के लिए रखेंगे, और थोड़ी सी जूनियन कट अदरक है मेरे पास वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी। अच्छे से मिक्स करेंगे हम, और अब मैं इसको कवर करूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है।
बस अब मैं इसको कवर कर रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए, और फ्लेम मैंने बिल्कुल इसका लो कर दिया। इसी लो फ्लेम के अंदर हमारे जो टमाटर होंगे उनकी स्किन सॉफ्ट होगी और हमारा चिकन जो है वो भी टेंडर हो जाएगा। अच्छा जी, तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। ये इसको हम चेक करते हैं कि इसके जो टमाटर हैं उनकी स्किन, ये देख लीजिए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। इजीली जो है हम इसकी स्किन रिमूव कर सकते हैं, तो हम आराम के साथ जो है वो इस तरीके से पूरे टमाटर की स्किन रिमूव कर देंगे, बहुत इजी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ये देख लीजिए। देख लीजिए, स्किन हमने रिमूव कर दी। आप इसी जो है वो चिमटे की मदद से जो है हम इसको इस तरीके से इसके साथ जो है वो मैश कर देंगे। ठीक है, चमचे से इतना अच्छा नहीं होगा जितना अच्छे तरीके से जो है ये इस तरीके से हो जाएगा। कुछ जो है वो थोड़े से हार्ड होते हैं टमाटर। फ्लेम हमने हाई कर देना है और हाई फ्लेम के ऊपर जो है वो हमने इसको इस टमाटर के साथ इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है, और जितना भी इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा वाटर है उसको हमने जो है वो ड्राई करना है। ठीक है, अंदर सिर्फ ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। ठीक है, ये 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है और ये सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पेपर में ही बनती है, इसलिए इसको ब्लैक पेपर, कोई दूसरे स्पाइसेस इसमें नहीं जाएंगी सिवाय ब्लैक पेपर के। तो आपने इसमें 1 टीस्पून भर के क्रश जो होती है वो ब्लैक पेपर यूज करनी है, बिल्कुल पिसी हुई नहीं डालनी, फ्रेशली आप क्रश कीजिए और जो है वो इसके अंदर ऐड कीजिए। ठीक है, अब ये देख लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ड्राई होना शुरू होगा और ये भुनना शुरू हो जाएगा, ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा ऐसा, लेकिन कहते हैं ना, लकीर के फकीर नहीं होना चाहिए, कुछ क्रिएशंस आपकी अपनी भी होती हैं अपने टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से। तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो धनिया और जीरा भुना हुआ और कुटा हुआ, क्रश जो होता है, जो कि हम कढ़ाई में यूज़ करते हैं, वो मैं इसमें यूज़ करती हूँ। मुझे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें यूज़ करती हूँ ऑथेंटिक रेसिपी के अंदर। इसमें और कुछ नहीं जाता सिवाय ब्लैक पेपर के, लेकिन मैं इसमें डालती हूँ। आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं, आप नहीं डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है इसलिए मैं इसके अंदर ऐड करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप डालिए, आपको नहीं अच्छा लगता तो आप जो है वो रहने दीजिए। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे और इसको बिल्कुल ड्राई करेंगे। अच्छा, मैंने थोड़ी देर कवर किया था, अब आप इसके लुक चेक कीजिए, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है और ये बिल्कुल जो है वो भुन चुका है। गोश्त भी हमारा जो है चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो गया है। और ये देख लीजिए, ऑयल इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपको ऑयल ज़्यादा लगे तो आप इसमें से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा जो होता है वो इसी के साथ आता है। अब हम इसमें गार्निशिंग करेंगे। अच्छा, मैंने एक जो है वो लेमन लिया था, हम पूरा लेमन नहीं डालेंगे इसमें, सिर्फ हाफ लेमन मैं इसमें स्क्विज कर दूंगी। अदरक ऐड करेंगे, हरी मिर्चें ऐड करेंगे और ढेर सारा इसमें हम हरा धनिया ऐड करेंगे। और ये मज़ेदार सी यमी सी हमारी शनवारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है। इसी तरीके से आप इसको इसी कढ़ाई में जो है वो सर्व करें और बहुत ही यमी और मज़े लेकर खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगती है नान के साथ, बटर नान के साथ, और इसके अलावा जो है आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, इसको रोटी तंदूर की रोटी के साथ भी और घर की चपाती के साथ भी। ये हर तरीके से आपको बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा देगी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी कढ़ाई बनकर कैसे तैयार हुई। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलती हूँ फिर किसी नई अच्छी और ऑथेंटिक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।